महात्मा गांधी वो इंसान थे जिनके बारे में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ तक कह दिया था कि आने वाली पीढ़ियों को ये यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति इस धरती पर आया था। महात्मा गांधी का हमारी आज़ादी में अहम योगदान रहा है। उनकी अहिंसावादी सोच की वजह से आज उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आप महात्मा गांधी के बारे में 40 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 1, 1930 में जब गांधी जी इंग्लैंड में थे तब वहां उन्होंने पहली बार रेडियो पर अमेरिका के लिए भाषण दिया था। जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तब माइक को देखकर उन्होंने जो पहले शब्द बोले वो थे, क्या मुझे इस चीज़ के अंदर बोलना है। नंबर 2, गांधी जी की पूरी ज़िंदगी के दौरान ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल उनके सबसे बड़े क्रिटिक थे। चर्चिल ने एक बार गांधी जी को अधनंगा फकीर कह दिया था और जब गांधी जी अनशन पर बैठे थे उस वक्त चर्चिल ने कहा था कि गांधी अगर मरता है तो मरने दो, ऐसे में हमें एक बुरे आदमी और ब्रिटिश एम्पायर के दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 3, स्टीव जॉब्स गांधी जी से बहुत प्यार करते थे। वो गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्हीं के जैसा गोल फ्रेम वाला चश्मा पहनते थे। नंबर 4, गांधी जी बचपन में बेहद शर्मीले लड़के थे। वो स्कूल से छुट्टी होते ही एकदम घर भाग जाते थे ताकि रास्ते में उनसे कोई बात ना करे और कोई उनका मजाक ना उड़ाए। नंबर 5, गांधी जी का निक नेम मोनिया था। उनके माता पिता और दोस्त उनको इसी नाम से बुलाते थे। नंबर 6, जब गांधी जी महज 13 साल के थे तब एक 14 साल की लड़की कस्तूरबा से उनकी शादी कर दी गई थी। 16 साल की उम्र में गांधी जी की पहली संतान हुई जिसकी कुछ ही दिनों में मृत्यु हो गई। इसके बाद गांधी जी के 4 बेटे हुए जिन्होंने एडल्टहुड तक सर्वाइव किया। नंबर 7, गांधी जी अपने जीवन में हर रोज 18 किलोमीटर पैदल चलते थे और ख़ासकर 1914 से लेकर 1948 तक अपने कैंपेन्स के दौरान। ये माना जाता है कि वे अपने जीवन में 79,000 किलोमीटर पैदल चले जो कि पूरी दुनिया का 2 बार चक्कर लगाने जितना बराबर है। गांधी जी कहा करते थे कि पैदल चलना एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन तरीका है। नंबर 8, गांधी जी अपनी धोती की तह में नकली दांतों का एक सेट रखते थे और सिर्फ खाना खाने के दौरान ही वो इसे निकालते थे। नंबर 9, गांधी जी की हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जिसका उन्हें हमेशा अफसोस रहा। गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से बच्चों और स्टूडेंट्स को सैकड़ों लेटर्स लिखे। ज़्यादातर लेटर्स में गांधी जी की तरफ से बच्चों के लिए एक आम सलाह होती थी, अपनी लिखावट सुधारो। एक बार गांधी जी के ग्रैंडसन उनसे पूछते हैं कि आप क्यों बच्चों को बार बार उनकी हैंडराइटिंग सुधारने की बात कहते रहते हैं जबकि आपकी खुद की हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। इस पर गांधी जी जवाब देते हैं, हाँ मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और इसीलिए बच्चों को बार बार उनकी हैंडराइटिंग सुधारने की सलाह देता हूँ ताकि कल बड़े होकर उन्हें मेरी तरह अफसोस ना करना पड़े। नंबर 10, गांधी जी ने ना केवल एग और मीट बल्कि मिल्क प्रोडक्ट्स को भी ना लेने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। जब उनकी सेहत खराब हुई तो डॉक्टर ने उन्हें दूध लेने की सलाह दी, तब वो मान गए और उन्होंने बकरी का दूध पीना शुरू कर दिया। गांधी जी कभी कभी यात्रा के दौरान अपनी बकरी को साथ लेकर जाते थे ताकि उन्हें ताज़ा दूध पीने को मिले। नंबर 11, गांधी जी बताते थे कि उनकी लाइफ का सबसे इन्फ्लुएंशियल मोमेंट वो था जब 1891 में साउथ अफ्रीका में वो एक ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और उनके स्किन कलर की वजह से उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया था। ये पहली बार था जब गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी में रेसिज्म को अनुभव किया था। उस वक्त उन्होंने अपने आप से ये वादा कर लिया था कि वो इसके खिलाफ लड़ेंगे। नंबर 12, गांधी जी को भारत और साउथ अफ्रीका में कई बार जेल हुई।
उन्होंने अपनी जिंदगी के 2338 दिन जेल में बिताए। कैद के दिनों के दौरान ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। गांधी जी को मलेरिया हो जाता है और उनको इस डर के साथ रिहा कर दिया जाता है कि यदि बीमारी की वजह से उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई तो कहीं विद्रोह ना हो जाए। नंबर 13, 1943 में जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अनशन पर बैठे थे तब उन्होंने 21 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। ब्रिटिश सरकार ने लंदन प्रेस पर रोक लगा रखी थी कि गांधी जी के कमजोर शरीर की फोटोज ना दिखाई जाएं। वे इस बात से डरे हुए थे कि इससे आजादी की मांग और तेज हो सकती है। उस दौरान ब्रिटिश सरकार ने न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स को इसलिए बुलाया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएं कि कोई इंसान बिना कुछ खाए 21 दिन तक कैसे रह सकता है। विंस्टन चर्चिल ने तो यहां तक कह दिया था कि मैं जानता हूं कि महात्मा गांधी मुझसे बेहतर खाना खा रहे हैं। नंबर 14, भूकंप की वजह से बिहार का भागलपुर काफी प्रभावित हुआ था। भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए गांधी जी भागलपुर गए थे। वहां पहुंचकर गांधी जी ने पीड़ितों के लिए धनराशि इकट्ठी की। इस धनराशि को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने जो किया उसके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। दरअसल वहां बहुत से लोग थे जो गांधी जी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। गांधी जी ने उनका ऑटोग्राफ लेने वाले हर शख्स से 5-5 रुपए लिए थे और जितने भी पैसे इकट्ठे हुए उसको उन्होंने भूकंप पीड़ितों को सौंप दिया था। नंबर 15, गांधी जी को शांति के नोबेल प्राइज के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिल सका। आज तक नोबेल कमेटी इस बात पर अफसोस जाहिर करती है कि यह गांधी जी के लिए नहीं बल्कि खुद नोबेल प्राइज के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसे गांधी जी जैसी शख्सियत को नहीं दिया जा सका। गांधी जी को पहली बार 1937 में नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, फिर 1938 में, फिर 1939 में, फिर इसके बाद 1947 में और आखिरी बार 1948 में उनकी मृत्यु से महज कुछ ही दिन पहले। उस दौरान नोबेल प्राइज किसी व्यक्ति को उसके मरने के बाद नहीं दिया जाता था। नंबर 16, 1948 में नोबेल पीस प्राइज किसी को भी नहीं दिया गया। ये माना जाता है कि गांधी जी के सम्मान में ऐसा किया गया। उस वक्त नोबेल कमेटी ने यह कहा था कि वो किसी भी जिंदा कैंडिडेट को इस लायक नहीं समझते जिसे नोबेल प्राइज दिया जा सके। यहाँ नोबेल कमेटी के बयान से यह जाहिर होता है कि अगर गांधी जी जिंदा होते तो 1948 का नोबेल पीस प्राइज उनको ही दिया जाता। नंबर 17, गांधी जी को तो नोबेल नहीं मिला लेकिन गांधी जी को अपना आदर्श मानने वाले और उनके रास्ते पर चलने वाले बहुत से महान व्यक्तियों को शांति का नोबेल प्राइज मिला, जैसे मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की। 1989 में जब दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज मिला था तो उन्होंने कहा था कि यह पुरस्कार मेरे मेंटोर महात्मा गांधी को समर्पित है। नंबर 18, 1930 में अमेरिका की टाइम मैगजीन ने गांधी जी के दांडी सत्याग्रह के लिए उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। ये सम्मान पाने वाले वो अकेले इंडियन हैं। यहाँ तक कि 1999 में जब टाइम पर्सन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया जाना था तब वो रनर अप रहे और एल्बर्ट आइंस्टाइन को टाइम पर्सन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया। नंबर 19, 1906 में जब गांधी जी 37 साल के थे तब उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। नंबर 20, वैसे तो गांधी जी ने 37 साल की उम्र में ब्रह्मचार्य अपना लिया था लेकिन इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि जब गांधी जी अपनी राह से थोड़ा डगमगाने लगे और रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी के लिए उनके मन में मधुर जज्बात पैदा हो गए थे और गांधी जी ने अपने एक दोस्त को लिखते हुए सरला देवी को अपनी स्पिरिचुअल वाइफ कहा था। नंबर 21, 1944 में गांधी जी ने अपने ब्रह्मचार्य की परीक्षा करने के लिए एक कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट किया। वो युवा लड़कियों और महिलाओं को अपने साथ एक ही बिस्तर पर नग्न अवस्था में सोने के लिए कहते थे। उन लड़कियों में से एक उनकी पौत्र भतीजी मनु भी थी। ये प्रयोग करके गांधी जी ये देखना चाहते थे
कि उन्होंने अपनी सेक्सुअल डिजायर पर पूरी तरह से काबू पा लिया है या नहीं। गांधी जी की पोत्र भतीजी मनु लिखती हैं कि गांधी जी के इन प्रयोगों का उन पर कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ा। जितनी भी महिलाएं इस ब्रह्मचारी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि गांधी जी ने किसी तरह से सेक्सुअल वे में बिहेव किया हो। और जिन महिलाओं ने इन प्रयोगों के बारे में खुले तौर पर बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी बूढ़ी माँ के पास सो रही हों। नंबर 22, दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए गांधी जी ने हिटलर को दो रिक्वेस्ट लेटर लिखे थे, जिसमें उन्होंने हिटलर को डियर फ्रेंड कहा था। गांधी जी ने पहला लेटर दूसरे विश्व युद्ध से करीब एक महीना पहले 23 जुलाई 1939 को लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, प्रिय मित्र, मेरे कुछ दोस्त चाहते हैं कि इंसानियत के खातिर मैं आपको लिखूं, लेकिन मुझे यही लगता रहा है कि शायद ये गुस्ताखी होगी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा हिसाब किताब ना करूं और अपनी बात रखूं। ये साफ जाहिर है कि आज इस दुनिया में आप ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस महायुद्ध को होने से रोक सकते हैं, जो इंसानियत को भयंकर स्थिति तक पहुंचा देगा। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील सुनेंगे जिसने युद्ध के रास्ते को अस्वीकार किया हो? नंबर 23, गांधी जी ने हिटलर को दूसरा लेटर 24 दिसंबर 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लिखा था। इसमें भी उन्होंने हिटलर से युद्ध रोकने की रिक्वेस्ट की थी और शांति, अहिंसा और सत्याग्रह जैसी बातों का जिक्र किया था। गांधी जी के दोनों ही लेटर्स ब्रिटिश सरकार ने हिटलर तक नहीं पहुंचने दिए। नंबर 24, हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचार के बारे में गांधी जी ने बड़ा ही विवादास्पद बयान दे दिया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1946 में एक इंटरव्यू के दौरान गांधी जी ने कहा, हिटलर ने 5 मिलियन यहूदियों को मार डाला है, ये हमारे समय का सबसे बड़ा क्राइम है, लेकिन यहूदियों को अपने आप को कसाई के छुरे के आगे रख देना चाहिए था, उन्हें अपने आप को समुद्र में धकेल देना चाहिए था। इससे जर्मनी और पूरी दुनिया के लोग जाग उठते, आखिरकार वैसे भी उनके लाखों लोग मर रहे थे। गांधी जी का मानना था कि कलेक्टिव सुसाइड का यह कारनामा होलोकॉस्ट के जवाब में बहादुरी भरा साबित होता। नंबर 25, गांधी जी ने अपने समय की कई मशहूर हस्तियों से लेटर्स के जरिए बातचीत की थी, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, लियो टॉलस्टॉय और चार्ली चैपलिन। नंबर 26, अल्बर्ट आइंस्टाइन गांधी जी के बड़े फैन थे। वे गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को बहुत पसंद करते थे और अक्सर उनकी तारीफ किया करते थे। एक बार आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कहा था, आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही यकीन कर पाएंगी कि हार्ड मास से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर कभी चलता फिरता था। नंबर 27, महात्मा गांधी और अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों की एक दूसरे से मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी। 1931 में आइंस्टाइन ने गांधी जी को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने गांधी जी के काम की तारीफ की थी। आइंस्टाइन ने लिखा था, आपने यह साबित करके दिखाया है कि हिंसा के बिना भी सफलता हासिल करना मुमकिन है। चिट्ठी के आखिर में आइंस्टाइन लिखते हैं, आशा करता हूं कि मैं एक दिन आपसे आमने सामने मिल सकूंगा। इस चिट्ठी के जवाब में गांधी जी आइंस्टाइन को लिखते हैं, प्रिय मित्र, आपकी खूबसूरत चिट्ठी पाकर मुझे खुशी हुई। मेरे लिए ये बहुत तसल्ली की बात है कि मेरे काम को आपकी सराहना मिली। वास्तव में मेरी भी इच्छा है कि हम दोनों की मुलाकात हो, और वो भी मेरे भारत वाले आश्रम में। लेकिन ना तो कभी आइंस्टाइन का भारत आना हुआ और ना ही गांधी जी का ही कभी अमेरिका जाना हुआ। इसीलिए दो दोस्तों की एक दूसरे से मुलाकात की चाहत कागज तक ही सीमित रही। नंबर 28, जैसा कि हमने पीछे जाना कि आइंस्टाइन गांधी जी को कितना एडमायर करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गांधी जी की हर बात से पूरा पूरा एग्री करते थे। 1935 में अमेरिकन मैगजीन सर्वे ग्राफिक को दिए एक इंटरव्यू में आइंस्टाइन ने कहा था, मैं महात्मा गांधी का बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि गांधी जी के विचारों की कुछ कमजोरियां हैं। उनका सत्याग्रह आइडियल कंडीशंस में ही प्रैक्टिकल है,
इसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो लागू किया जा सकता है, लेकिन गांधी जी कितना भी चाहें वो अपने सत्याग्रह को नाजी जर्मनी में लागू नहीं कर सकते। नंबर 29, गांधी जी को भारत में फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। उन्हें ये टाइटल देने वाले व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से आज़ाद हिंद रेडियो पर ब्रॉडकास्ट की गई एक स्पीच में नेताजी ने पहली बार गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहते हुए संबोधित किया था, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए गांधी जी का आशीर्वाद और दुआएं मांगी थी। नंबर 30, ये माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नंबर 31, गांधी जी की निशानियां, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई बहुत सी चीजें आज भी गांधी म्यूजियम मदुरई में सुरक्षित रखी हैं। उनकी हत्या वाले दिन जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, खून से सने हुए वो कपड़े भी म्यूजियम में रखे हैं। नंबर 32, नवंबर 2013 में गांधी जी का चरखा ब्रिटेन में नीलामी के दौरान 1,10,000 पाउंड में बिका था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, उस दौरान पुणे की यरवदा जेल में उन्होंने इस चरखे का इस्तेमाल किया था। नंबर 33, गांधी जी ने अपनी जिंदगी में कभी भी हवाई जहाज में सफर नहीं किया। नंबर 34, आजादी के मौके पर दी गई पंडित नेहरू की हिस्टोरिक स्पीच के दौरान गांधी जी वहां मौजूद नहीं थे। उस वक्त वो कोलकाता में थे और हिंदू मुसलमानों के बीच शांति कायम करने के प्रयास कर रहे थे। नंबर 35, गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। ये दिन भारत में हर साल गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और पूरी दुनिया में ये दिन विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस बात की घोषणा की थी कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन हर साल इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। नंबर 36, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में मौजूद बिरला हाउस में शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के बिल्कुल पास जाकर उनकी छाती पर 3 गोलियां चलाई थी। आखिरी अल्फाज जो गांधी जी की जबान से निकले वो थे, हे राम। नंबर 37, नाथूराम गोडसे को तो गांधी जी की हत्या के जुर्म में फांसी हुई, लेकिन गांधी जी कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट थे। उनका एक वाक्य भी है, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। नंबर 38, नाथूराम के जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र गोडसे था। नाथूराम से पहले उनके माता पिता के 3 लड़के और 1 लड़की थी, लेकिन 3 लड़के बचपन में ही मर गए और लड़की जिंदा रही। नाथूराम के माता पिता को ये लगने लगा कि उनके मेल चाइल्ड के ऊपर कुछ शाप है, इसीलिए जब रामचंद्र यानी नाथूराम पैदा हुए तो उनके माता पिता ने शुरुआती कुछ सालों तक नाथूराम की परवरिश एक लड़की की तरह की, और नाथूराम की नाक में नोज रिंग भी पहनाई गई, इसीलिए उनका नाम बाद में नाथूराम पड़ा। जब नाथूराम के यंगर ब्रदर का जन्म हुआ, उसके बाद उनके माता पिता ने उनको एक लड़के की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। नंबर 39, गांधी जी की शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। बिरला हाउस जहां उनकी हत्या हुई थी, वहां से राजघाट पहुंचने में 5 घंटे लगे थे। उनकी शव यात्रा में 10 लाख लोग साथ चल रहे थे, और करीब 10 से 15 लाख लोग शव यात्रा को देखने के लिए रास्ते में खड़े थे। नंबर 40, 1959 में जब मार्टिन लूथर किंग गांधी जी की समाधि राजघाट आए थे, तब गांधी जी को श्रद्धांजलि देते वक्त उनकी आंखें नम हो गई थी। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता था। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।